हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भूत प्रेतों और ऐसे ही कई सारी अलग अलग टॉपिक्स की सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। मेरा नाम रंजीत है, मैं लुधियाना में रहता हूँ। ये बात तब की है जब मुझे एक ज़रूरी काम से लुधियाना से जबलपुर जाना था। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और लुधियाना से जबलपुर जाने वाली बस 7:30 से 8 बजे के बीच बस स्टॉप पर आ जाती थी। तो मैं घर से जल्दी से अपना सामान से भरा बैग उठाते हुए सरपट बस स्टॉप की तरफ चल दिया। रास्ते पर मैंने बस स्टॉप तलक जाने के लिए एक ऑटो कर लिया। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मेरी ऑटो वाले से बातें शुरू हो गई। बातों से वो ऑटो वाला बड़ा ही मजाकिया किस्म का बंदा लग रहा था, लेकिन बातें करते हुए एक मर्तबा वो ऑटो वाला मुझसे कुछ ऐसा बोल गया जिस पर मुझे उस ऑटो वाले पर गुस्सा आ गया। दरअसल बातों बातों में ही उस ऑटो वाले ने मुझसे कहा कि साहब, आज तक इस रास्ते से मैं जिस भी सवारी को अपनी ऑटो पर ले गया हूँ उसकी इसी ऑटो पर ही मौत हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात है कि आप अभी तक मेरी ऑटो पर जिंदा बैठे हो। उस ऑटो वाले की ये बात सुनकर एकदम से मेरा दिमाग घूम गया और गुस्से से मैंने उस ऑटो वाले का कॉलर पकड़ लिया और मैंने उस ऑटो वाले से गुस्से से कहा कि क्यों बे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कौन मारेगा मुझे? बोल, वरना आज मैं तुझे ही यहाँ पर मार दूंगा। मैं इतना बोला ही था कि तभी वो ऑटो वाला जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि क्या साहब, मरे हुए को भला आप क्या मारेंगे। उस ऑटो वाले की ये बात सुनकर एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं एकदम से उस ऑटो वाले का कॉलर छोड़ अपनी सीट पर ही जम सा गया। और तभी वो ऑटो वाला बिना मेरी तरफ पलटे ही उसने अपनी गर्दन पीछे मेरी तरफ घुमा दिया और अब उसका चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। उसकी आंखों की जगह पर दो काले गड्ढे थे और उसका चेहरा ठीक आग में जला हुआ लग रहा था। वो खौफनाक मंजर देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और तभी वो ऑटो वाला प्रेत जोर जोर से कुर्राने लगा और मुझसे भारी आवाज़ में बोला कि चुप हो जा, वरना मैं तुझे यहीं कच्चा चबा जाऊंगा। मगर मुझे पता था कि अब इस प्रेत की चपेट से मुझे बजरंग बली ही बचा सकते हैं, इसलिए मैं और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, जिस पर उस प्रेत ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे घसीटकर ऑटो से बाहर फेंक दिया। और तभी वो प्रेत ऑटो सहित मेरी आँखों के सामने से ओझल हो गया। वो देखकर मेरी जान में जान आई और मैं वहाँ से हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ अपने घर की तरफ सरपट भागने लगा। रास्ते पर भागते हुए कई बार अचानक से वो ऑटो वाला प्रेत ऑटो सहित मेरे पीछे आ जाता था, मगर अब वो मेरे करीब नहीं आ रहा था, लेकिन वो दूर से ही मेरा पीछा कर रहा था। और वो प्रेत तब तक मेरा पीछा करता रहा जब तक कि मैं मेरे घर नहीं पहुंच गया। और घर पहुंचते ही मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और सीधा मेरे घर पर बने बजरंगबली के मंदिर के अंदर जाकर बैठ गया। और फिर वो पूरी रात मैंने मेरे घर के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बिताई। और फिर अगले दिन मैं एक पीर बाबा के दरगाह पर गया और फिर मैंने पीर बाबा को अपने साथ घटी पूरी घटना विस्तार से बताई। तो पीर बाबा ने एक ताबीज़ मेरे गले में पहनाकर मुझसे कहा कि ये ताबीज़ कभी अपनी गर्दन से मत उतारना, ये बुरी ताकतों से तुम्हारी रक्षा करेगा। और फिर पीर बाबा को धन्यवाद कहकर मैं वापस घर आ गया। दोस्तों, इस घटना के बाद फिर कभी मेरा सामना ऐसी बुरी ताकतों से तो नहीं हुआ, लेकिन उस घटना के कई दिनों बाद तक मुझे रात में डरावने सपने आते थे और आज भी
मेरे साथ उस रात घटे उस वाक्य को याद करके मेरा दिल दहल उठता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम प्रदीप है, ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 3 साल पहले की है। मेरी नई नई नौकरी लगी थी, मैं बेहद ही खुश था। सुबह 8 बजे ही मैं ड्यूटी पर चला जाता था और रात 8 बजे मैं वापस घर के लिए निकलता था। एक रात जब मैं वापस घर के लिए लौट रहा था तब अचानक बारिश होने लगी और मैं बाइक से था, इसीलिए फिर मैं एक ढाबे पर रुक गया। उस रात लगभग 1 घंटे तक लगातार बारिश हुई। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए मैंने ढाबे पर अपने लिए खाना पैक करवा लिया और करीब 9:30 बजे मैं ढाबे से घर के लिए अपनी बाइक से निकला। रास्ता बिल्कुल साफ था, मैंने बाइक की स्पीड और तेज कर दी और फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद अचानक मेरी बाइक की स्पीड धीमी पड़ गई और फिर मेरी बाइक बंद हो गई। मैंने बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कई बार कोशिश की मगर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। रास्ते पर चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था जो माहौल को और भी ज़्यादा भयावह बना रहा था। और फिर तभी रास्ते के किनारे लगा आम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। वो देखकर मैं चौंक गया और सक पकाकर ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस वक्त तेज हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और वहाँ और भी आम के पेड़ थे मगर वो नहीं हिल रहे थे। सिर्फ वही पेड़ जोरों से हिले जा रहा था, जैसे कि कोई बहुत ही ताकतवर चीज़ उस पेड़ को गुस्से से हिला रही थी। अभी वो पेड़ हिल ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ का मौसम बदलने लगा। अचानक काले बादल छाने लगे, ऐसा लग रहा था जैसे अभी तेज तूफान आने वाला है। और तभी मैंने देखा कि एक औरत उसी आम के पेड़ से कूदी और मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। पहले तो वो औरत जोर जोर से हंसी और फिर गुस्से में बोली कि मुझे भूख लगी है। उस औरत की आवाज़ बेहद ही अजीब थी, जैसे कि कोई नाक बैठाकर बोलता है। मैं उस वक्त इतना डरा हुआ था कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और तभी वो औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी। मुझे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि उस वक्त अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ था तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। उस औरत को अपनी तरफ आता देख मैं भी पीछे हटने लगा मगर तभी वो औरत एकदम से मेरे सामने आ गई और तब मैंने उसका चेहरा देखा। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा कि उस औरत का चेहरा बेहद ही भयानक था। उसकी नाक नहीं थी और उसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी और चमक रही थी बिल्कुल किसी पीले बल्ब की तरह। उस औरत को देखकर अब मैं समझ चुका था कि वो औरत कोई इंसान नहीं थी। वो जो भी थी मगर इतना तो पक्का था कि वो इंसान नहीं थी। उस औरत का चेहरा देखकर मैं कांपने लगा था और फिर तभी उस औरत ने गुस्से से अजीब सी अरबी भाषा में कुछ बोला और फिर मुझे उठाकर वहीं ज़मीन पर पटक दिया और फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बेहोश हो चुका था और फिर जब मुझे होश आया तब हल्की सुबह हो चुकी थी और मैं वहीं बीच रास्ते पर बेसुध पड़ा था। फिर हिम्मत करके मैं उठा और अपनी बाइक के पास पहुंचा तो मैंने देखा बाइक के पास मेरा टिफ़िन खुला हुआ पड़ा था मगर उसका खाना गायब था। वो देखकर मैं समझ गया कि ये ज़रूर उस भयानक औरत का काम है जिसने मेरी ये हालत की थी। उसी ने मेरा खाना खाया था जो मैंने रास्ते में आते वक्त उस ढाबे से खरीद कर टिफ़िन में पैक करवाया था। उसके बाद मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की तो मेरी बाइक एक ही पार में स्टार्ट हो गई और फिर बाइक से मैं वहाँ से अपने घर की तरफ भागा और तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने घर नहीं पहुँच गया। उसके बाद
मुझे एक हफ्ते तक तेज बुखार रहा और कई दिनों तक मुझे उस भयानक औरत के डरावने सपने आते थे। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अविनाश है, ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं एक किराना दुकान पर काम करता हूँ और दुकान के मालिक ज़्यादातर अपने काम से घर से बाहर ही रहते हैं। मेरे साथ हुए इस घटना को अब कई साल हो चुके हैं, मगर आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात तब की है जब एक रात मैं दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और रास्ते पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही मुझे नज़र आ रही थी। दुकान से मेरा घर कोई 1-1.5 किलोमीटर ही दूर था, लिहाजन मैं पैदल ही दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था। अभी रास्ते पर मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी मुझे रास्ते के बगल से किसी आदमी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। दरअसल मैं जिस रास्ते से अपने घर जा रहा था वो रास्ता दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। किसी आदमी के चीखने की आवाज़ सुनकर मैं एकदम से रुक गया और फिर तभी उस आदमी के चीखने की आवाज़ बेहद ही तेज होने लगी। आवाज़ उसी जंगल के अंदर से आ रही थी। मैं काफ़ी निडर व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैं उस आवाज़ से घबराया नहीं, बल्कि मैं उस आदमी की मदद के लिए उस घने जंगल के अंदर जाने लगा। और फिर जब मैं जंगल के काफ़ी अंदर आ गया तब मैंने नोटिस किया कि वो किसी आदमी के चीखने की आवाज़ अब बिल्कुल शांत हो चुकी है। और फिर तभी कोई मुझे मेरे नाम से मुझे उसकी मदद के लिए बुलाने लगा। वो कह रहा था, अविनाश बचाओ मुझे, मैं यहाँ फंस चुका हूँ, यहाँ इन झाड़ियों के पास कोई जाल बिछा है, मेरी मदद करो, यहाँ आओ। उस आदमी की बात सुनकर मैं उन घनी जंगल झाड़ियों के पास जाने लगा, मगर तभी मैं एकदम से रुक गया और मैंने सोचा कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला, जबकि अभी तक मैंने और इसने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। और फिर ये सोचकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इसे कैसे पता चला कि इन घनी जंगली झाड़ियों के उस पार मैं खड़ा हूँ, जबकि मैं दबे कदमों से वहाँ तक पहुँचा था। मैं अब समझ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं है, वो जो कुछ भी था मुझे अपने जाल में फंसाकर अपने पास बुलाना चाहता था। मैं फौरन वहाँ से रास्ते की तरफ भागने लगा। भागते भागते मुझे ऐसा लगा कि कोई और भी मेरे साथ भाग रहा है। मैंने पूरी जान लगाकर उस जंगल से भागना शुरू कर दिया और फिर मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं रास्ते पर नहीं पहुंच गया। और रास्ते पर पहुंचते ही मुझे जंगल से एक भयानक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत ही अजीब थी, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और फिर उस आवाज़ के ठीक बाद जंगल से किसी की आवाज़ आई। वो कह रहा था कि आज अगर तू उन झाड़ियों के पास आ जाता तो मैं तुझे भी अपने साथ अपनी कब्र में खींच लेता, मगर तू तो बच गया है, मगर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और फिर तभी अचानक से जंगल के पेड़ जोरों से हिलने लगे और मौसम बदलने लगा और मुझे बेहद ठंड महसूस होने लगी, इतनी कि मैं ठंड से ठिठुरने लगा। और फिर तभी उस जंगल से धूल का एक बवंडर बेहद ही तेज़ी से मेरे सामने आ गया और फिर मेरे देखते ही देखते उस धूल ने इंसानी रूप लेना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही क्षणों में उस धूल से एक मुर्दा बनकर तैयार हो गया। उस मुर्दे को देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। और फिर तभी वो मुर्दा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आज मैं तुझे भी अपने साथ अपनी कब्र पर ले जाऊंगा। उस मुर्दे की बात सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और फिर तभी वो मुर्दा मेरी तरफ बढ़ने लगा। उस मुर्दे को अपनी तरफ आता देख मैं भी चीखते हुए भागने लगा। और फिर मुझे रास्ते पर एक ट्रक आता दिखाई दिया। मैं हाथ हवा में हिलाता हुआ
उस ट्रक के सामने जाने लगा और फिर ट्रक रुक गया। और उस ट्रक के पास पहुंचकर मैं ड्राइवर से बोला कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। मेरी बात पर ट्रक ड्राइवर ने इधर उधर देखा और बोला, कौन मार डालेगा तुम्हें? उस ट्रक ड्राइवर की बात पर मैंने अपने पीछे देखते हुए कहा कि ये मुर्दा मुझे मार डालेगा। मगर इतना कहते कहते ही मैं चुप हो गया। मैंने अपने पीछे देखा तो पाया कि वहाँ से वो मुर्दा गायब हो चुका था। फिर मैंने ट्रक ड्राइवर को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर ट्रक ड्राइवर ने मुझे ट्रक पर बिठाकर मेरे घर तक छोड़ दिया। और रास्ते में उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसके साथ ऐसे हादसे आए दिन होते हैं, इसीलिए वो अपने साथ अपने ट्रक पर एक अभिमंत्रित तलवार रखता है, जिसके उसके पास तो क्या उसके आसपास भी एक भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती है। शायद इसीलिए उस ट्रक के करीब आने पर वो मुर्दा गायब हो गया था। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अमन जोशी है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई के साथ हुआ था, जब वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरे गांव के बाहर एक बड़ा सा खुला मैदान है, तो ठीक उसी मैदान में मेरा भाई और उसके दोस्त क्रिकेट खेलने जाया करते थे। लेकिन उस दिन जब मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया हुआ था, तो वो अपने साथ पानी की बोतल ले जाना भूल गया था। तो क्रिकेट खेलते हुए जब मेरे भाई और उसके दोस्तों को प्यास लगी, तब उन्हें पता चला कि वो तो पानी की बोतल साथ लेकर ही नहीं आए हैं। तो मेरे भाई ने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी घर जाकर पानी लेकर आता हूँ। तो उसके दोस्तों ने कहा कि चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। लेकिन मेरे भाई ने कहा कि नहीं, तुम लोग बेकार में मेरे साथ गांव चलकर क्या करोगे, तुम लोग यहीं पर पेड़ के नीचे पेड़ की छांव में बैठो। मैं बस यूं गया और यूं आया। और ठीक इतना कहकर मेरा भाई गांव आने लगा। उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे और कड़ी धूप के साथ गर्म लू भी चल रही थी। साथ ही आपको बता दूं कि गांव और उस खुले मैदान के बीच रास्ते में एक नहर भी पड़ता है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से वो नहर सूखा हुआ था। तो मेरा भाई अब तक उस नहर को पार करके घर की तरफ आ रहा था। और फिर घर पहुंचकर मेरे भाई ने बोतल ली और बोतल में मटके का ठंडा पानी भर लिया। और फिर वो खुद भी पानी पीकर दोबारा से बोतल को भरा और फिर पानी की बोतल लेकर वो वापस ठीक उसी खुले मैदान की तरफ चल दिया। और फिर चलते चलते कुछ ही देर में मेरा भाई गांव के बाहर उसी नहर के पास पहुंच गया था। और वो नहर पार कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि नहर के दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा था, जो कि ठीक मेरे भाई की तरफ ही खुरे जा रहा था। हैरानी की बात तो यह थी कि इतनी गर्मी में भी वो आदमी साल ओढ़कर वहाँ खड़ा था। मेरा भाई बताता है कि वो आदमी उस साल को इस तरह से ओढ़ रखा था कि उस साल से उस आदमी का पूरा शरीर ढक रखा था, सिर्फ मेरे भाई को उस आदमी का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। मेरे भाई ने नहर पार किया और वो उस आदमी के किनारे से आगे निकल गया। लेकिन तभी वो आदमी भागकर मेरे भाई के सामने आकर खड़ा हो गया। वो देख के मेरा भाई एकदम से चौंक गया और उसने उस आदमी से पूछा कि क्या बात है भाई, आप इस तरह से मेरा रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो गए हो? मेरे भाई के इतना पूछने पर उस आदमी ने मेरे भाई से कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो मेरे भाई ने जवाब दिया, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब, अब चलो हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। लेकिन रास्ते से हटने की बजाय उस आदमी ने मेरे भाई से कहा कि
नहीं, मैं तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा। तो उस आदमी की यह बात सुन के मेरे भाई को भी गुस्सा आ गया और वो उस आदमी से बोला कि देखो मुझे जाने दो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और तब उस आदमी ने मेरे भाई का रास्ता छोड़ दिया और मेरा भाई वहां से जाने लगा। लेकिन तभी वो आदमी फिर से मेरे भाई के सामने आ गया और वो मेरे भाई से बोला कि मुझे पानी चाहिए, तू मुझे ये पानी दे दे तभी मैं तुझे यहां से जाने दूंगा। उस आदमी की ये बात सुनकर मेरा भाई बहुत गुस्से में आ गया। मेरे भाई ने उस आदमी से कहा कि अगर तुम उससे सिर्फ पानी मांगता तो मैं तुझे पानी दे भी देता, लेकिन तू बोल रहा है कि अगर मैं तुझे पानी नहीं दूंगा तो तू मुझे यहां से जाने नहीं देगा, तो अब तो मैं तुझे हरगिज़ पानी नहीं दूंगा। और अगर तूने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो यहीं तुझे मैं पटक पटक कर मारूंगा और तुझे तेरी औकात बता दूंगा। मेरे भाई के इतना कहते ही वो आदमी मेरे भाई की तरफ लपका और तभी गुस्से से मेरे भाई ने उस आदमी ने जो साल ओढ़ रखी थी उसे पकड़कर खींच लिया। लेकिन वो साल मेरे भाई के हाथ में आते ही मेरे भाई ने जो देखा वो देखकर मेरे भाई के रोंगटे खड़े हो गए और वो पानी की बोतल वहीं फेंक कर सरपट गांव की तरफ भागा। दरअसल मेरे भाई ने जैसे ही उस आदमी के ऊपर से साल को खींचा तो मेरे भाई ने देखा कि उस आदमी का तो कोई धड़ ही नहीं था, सिर्फ उस आदमी का कटा हुआ सर हवा में तैर रहा था। और साल के हटते ही उस भूत ने अपना चेहरा बदल लिया और तब उस भूत की वो भयानक शक्ल देखकर मेरे भाई के पसीने छूट गए। गांव की तरफ भागते हुए मेरे भाई ने देखा कि उस भूत का कटा हुआ सर भी हवा में तैरता हुआ मेरे भाई के पीछे आ रहा था और वो कटा हुआ सर जोर जोर से शैतानी हंसी हंस रहा था। लेकिन भागते भागते जैसे तैसे मेरा भाई गांव पहुंचा और गांव वालों ने जब मेरे भाई को इतना डरा सहमा देखा तो गांव वाले मेरे भाई को हमारे घर पर लेकर आए। लेकिन घर तक आते आते ही रास्ते में मेरा भाई बेहोश हो गया। फिर गांव वाले उसे बेहोशी की हालत में ही हमारे घर पर ले आए और फिर घर पर आने के कुछ घंटों बाद मेरे भाई को होश आया तो वो काफ़ी डरा हुआ था और उसे तेज बुखार भी था। हम सभी के पूछने पर उसने हमें उसके साथ घटी पूरी घटना बताई। उसकी बातें सुनकर हम सब भी बहुत ज़्यादा डर गए और फिर हमारी दादी ने मेरे भाई की नज़र उतारी। और फिर इस घटना के बाद कई रातों तक मेरा भाई ठीक से सो नहीं पाया। वो बोलता कि वो जब भी सोता है तो उसे सपने में वही सरकटा भूत दिखाई देता है जो उससे पानी मांगता है। मेरे भाई की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी तो फिर हम सब उसे लेकर बालाजी के मंदिर गए और बाबा बालाजी के दर्शन के बाद अचानक से मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया और उसे उस भूत के डरावने सपने आना भी बंद हो गए और अब वो बालाजी बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो दोस्तों ये थी मेरे भाई के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अभिषेक है, ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 6 साल पहले की है जब मैं एक साइकिल रिक्शा चलाता था। मैं लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ता था। ऐसे ही एक रात जब मैं साइकिल रिक्शा को चौराहे पर इधर उधर घुमाते हुए किसी सवारी की तलाश कर रहा था तभी अचानक रास्ते पर जाम लग गया और मैं भी उसी जाम में फंस गया। और फिर उस रात जाम खुलते खुलते काफ़ी रात हो चुकी थी, रात के करीब 12 बज चुके थे। और फिर जाम खुलते ही मैं वापस अपने घर की तरफ लौटने लगा क्योंकि इतनी रात गए अब सवारी मिलना संभव नहीं था, इसलिए मैं वापस अपने घर की ओर लौटने लगा। और फिर मैं चौराहे से अपने घर की तरफ वाले रास्ते पर जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी मेरे पीछे से
मुझे किसी की आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी औरत की थी और फिर वो आवाज़ सुनकर मैंने अपना साइकिल रिक्शा रोका और फिर पीछे पलटकर देखा तो मैंने देखा कि एक औरत जिसके हाथों में एक छोटा सा बच्चा था और वो औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। वो मुझे रुकने के लिए बोल रही थी। वैसे रात काफ़ी हो चुकी थी और तब उस औरत की जगह कोई दूसरा होता तो शायद मैं उसे उसके गंतव्य स्थान तक छोड़ने से मना कर देता, मगर उस औरत के हाथों में एक छोटा सा बच्चा था और इसीलिए मैंने सोचा कि इतनी रात गए इस छोटे से बच्चे को हाथों में लिए ये औरत कहाँ जाएगी और फिर अब सुबह तक उसे कोई दूसरा साइकिल रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल था। और फिर मैंने उस औरत के पास अपना रिक्शा ले जाकर खड़ा किया और फिर मैंने उस औरत से पूछा कि कहाँ जाना है मैडम आपको। तो मेरी बात पर उस औरत ने कहा कि वो मुझे रास्ता बताती रहेगी, मुझे सिर्फ उसके बताए रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। खैर, मैं उस औरत को रिक्शे पर बिठाकर उसके बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा और फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद मैंने नोटिस किया कि वो बच्चा जिसे वो औरत अपने हाथों में लिए थी वो तो जब से मैं उस औरत से मिला था तब से बिल्कुल शांत था, जबकि जिस रास्ते से वो औरत मुझे अपने गंतव्य स्थान तक ले जा रही थी वो काफ़ी उबड़ खाबड़ यानी कि ख़राब और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था और जिस वजह से रिक्शे पर बार बार रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढों की वजह से ज़ोरदार झटके लग रहे थे। तो ऐसे में जब कोई ठीक से बैठ भी नहीं सकता है तो फिर वो बच्चा सो कैसे सकता है। मेरा मतलब छोटे बच्चे अक्सर सोते से जाग जाते हैं तो रोने लगते हैं। वैसे मुझे पता था कि ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं थी, मगर पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और फिर मैंने रास्ते पर चलते चलते ही उस औरत की तरफ मुड़कर देखा और फिर मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा वो औरत अब बेहद ही भयानक हो चुकी थी। उस औरत की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, बिल्कुल किसी सफ़ेद खोपड़ी की तरह, और तो और वो औरत उस बच्चे का सर खा रही थी। और फिर मेरे देखते ही देखते उस खौफनाक औरत ने उस छोटे से बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया और उसके सर को चबा गई। वो सब देखकर मेरी जान हलक में अटक गई और मेरा शरीर ढीला पड़ गया और मैं चलते रिक्शे से ज़मीन पर गिर पड़ा और सर पर चोट आने की वजह से मैं वहीं बेहोश हो गया। और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। जब मुझे होश आया तब मैं उसी चौराहे पर उसी मोड़ के पास बीच रास्ते पर बेसुध पड़ा था। मुझे नहीं पता मेरे साथ उस रात क्या हुआ था, मगर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ और मुझे उस रात के बारे में जो कुछ भी याद है मैंने वो सब आप सबके साथ शेयर किया है। उस घटना के बाद मैं कई ओझाओं से मिला और मैंने उन्हें अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया तो उन सब ने एक ही बात बताई कि उस रात तुम्हारे साथ जो औरत थी वो एक डायन थी और वो तुम्हें मारकर खा जाने वाली थी, मगर उस डायन से तुम्हारी जान तुम्हारे कुल देवता ने बचाई है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम विपिन है, ये मेरे और मेरे दोस्त अमित के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं अमित के घर देर रात पार्टी पर गया हुआ था। पार्टी में हमारे और भी कई दोस्त आए थे और फिर हमने पार्टी खूब इंजॉय की और फिर जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी हमारे दोस्त अपने अपने घर के लिए लौट रहे थे और करीब 1:30 बजे तक हमारे सभी दोस्त अपने अपने घर लौट गए और मैं उस रात अमित के घर पर ही रुक गया। उस रात अमित बेहद नशे में था, मगर मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता था। खैर, फिर हम दोनों बातें करते हुए ज़मीन पर अपने सोने के लिए बिस्तर बिछाने लगे और फिर तभी मैंने मजाक में बोल दिया कि कहीं हमारे दोस्तों को रास्ते में भूत ना मिल जाए। इस बात पर अमित जोर जोर से हंसने लगा
और भूतों का मजाक उड़ाते हुए उन्हें गाली देने लगा। और भूतों को गाली देते देते ही वो नशे में छत की तरफ जाने लगा। मैंने उसे ऐसा करने से कई बार रोका और कहा कि भाई शांत हो जा, तू अभी होश में नहीं है, तुझे पता नहीं है तू क्या बोल रहा है। मगर वो तो जैसे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और लगातार भूतों को गालियां दिए जा रहा था। और फिर तभी अचानक से मौसम बदलने लगा और जोरों से हवा चलने लगी और घर की सभी लाइटें बंद हो गई। सिर्फ मेरे फ़ोन चार्जर की चार्जिंग लाइट जल रही थी और फिर उसी चार्जर से जलती हल्की लाल रोशनी में मैंने देखा कई सारे काले साए कमरे की खिड़की से अंदर आ गए। और फिर मेरे देखते ही देखते उन काले सायों ने अमित को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उसके शरीर को बेरहमी से चीर फाड़ डाला। और फिर वो काले साए अमित के मांस के लोथड़ों को नोच नोच कर चबाने लगे और अमित की वहीं बड़ी बेरहमी से मौत हो गई। वो सब देखकर मैं सकपका कर दीवार से चिपक गया था और चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। अमित की दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर मेरी जान हलक में अटक चुकी थी। और फिर डर और खौफ से मेरा शरीर पीला पड़ने लगा और मैं बेहोश हो गया। और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कमरे में खून ही खून था, मगर अमित की लाश वहाँ नहीं थी। उसके मांस के कुछ टुकड़े जमीन पर पड़े थे। वो सब देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। और फिर तभी मैं अपनी जान हथेली पर लेकर अमित के घर से भागा। फिर घर पहुंचते ही मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगा और सुबह होते ही मैं वो शहर छोड़कर अपने गांव चला गया। दो दोस्तों ये थे मेरे और मेरे दोस्त अमित के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अमित है, ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 5 साल पहले की है। मैं कोटक में रहता हूँ। उस दिन शाम का वक्त हो रहा था। मैं अपने घर पर अकेला ही था। दरअसल मेरी माँ पापा के साथ उनके मायके गई हुई थी और मेरी दादी की पिछले साल ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। खैर, मैं अभी अपनी कहानी पर आता हूँ। तो उस शाम मैं अकेला अपने रूम पर टीवी देख रहा था। मुझे हॉरर मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, तो ठीक उस वक्त भी मैं एक हॉरर मूवी ही देख रहा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद ठीक मूवी देखते हुए ही मुझे मेरे घर के बाहर से कुछ शोर होता हुआ सुनाई दिया। तो मैंने झट से टीवी बंद किया और फिर मेरे घर के बाहर किस बात पे शोर मचा हुआ है वो देखने के लिए मैं घर से बाहर आ गया। जब मैं मेरे घर से बाहर आया तो मैंने देखा मेरे घर के ठीक सामने वाले घर पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी और उसी घर से रोने बिलखने की आवाज़ें आ रही थी। तो वहाँ क्या चल रहा है और किस बात पर वो लोग रो रहे थे वो पता करने के लिए मैं भी उसी घर की तरफ चल दिया। और फिर वहाँ जाकर मुझे मालूम पड़ा कि उस घर पर जो लोग रहते हैं उन्हीं में से एक औरत की मौत हो गई है। उस औरत की लाश उस घर के बाहर ही रखी हुई थी और उस पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ था। और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि रात लगभग होने ही वाली है, तो रात में लाश का दाह संस्कार करना सही नहीं रहेगा। तो वो लोग अगले दिन सुबह में उस लाश को अंतिम क्रिया के लिए ले जाने वाले थे। खैर, मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ऐसा मातम का माहौल देखकर और सबको रोता भी लगता हुआ देखकर पता नहीं पर बहुत अजीब सा महसूस होता है। तो मैं फिर वहाँ ज़्यादा देर रुका नहीं और वापस अपने घर में चला आया। फिर रात में जब मेरे फ़ोन पर मेरी माँ से बात हुई तो बातों बातों में ही मैंने माँ को अपने पड़ोस वाले घर पर उस औरत के मरने की बात बताई और ये भी बताया कि उस औरत की लाश को वो लोग आज रात घर पर ही रखे हैं। तो मेरी बातें सुनकर माँ ने फ़ोन पर ही
मुझसे कहा कि बेटा आज रात तुम सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक लोहे का चाकू जरूर ध्यान से रख लेना। माँ की उस बात पर मैंने माँ से पूछा कि वो किस लिए माँ? तो मेरी माँ ने बताया कि बेटा अमित, जब तक कि मरने वाले की लाश का दाह संस्कार नहीं किया जाता है, मतलब कि जब तक उस लाश को जलाया नहीं जाता है, तब तक उस मरने वाले की आत्मा अपनी लाश के आसपास ही भटकती रहती है और वो आत्मा एक नए शरीर पर कब्जा करने की तलाश में रहती है। माँ की बातें सुनकर मैं डर से पसीना पसीना हो गया और मैंने माँ से कहा कि प्लीज़ माँ, अब आप शांत हो जाओ, मुझे नींद आ रही है, मैं फ़ोन रखता हूँ। और फिर इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। रात काफ़ी हो चुकी थी, घर पर लाइट नहीं थी तो मेरे कमरे में भी काफ़ी अंधेरा हो रखा था। बिस्तर पर लेटे लेटे ही मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मगर माँ की बातें सुनने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। और तभी मुझे याद आया कि माँ ने सोने से पहले अपने तकिए के नीचे चाकू रखने को बोला था, तो मैं फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करके भागकर किचन में गया और किचन से एक लोहे का चाकू लेकर भाग के अपने बिस्तर पर आ गया और वो चाकू मैंने अपने तकिए के नीचे रख लिया। और फिर बिस्तर पर लेटे लेटे ही कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर आधी रात सोते हुए ही अचानक मुझे मेरी छाती बहुत भारी महसूस होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत भारी चीज़ एकाएक मेरे ऊपर बैठ गई है। हड़बड़ाकर मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने जो देखा वो देखकर एकाएक मेरी चीख निकल गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा मेरे ऊपर एक मुर्दा लाश बैठी थी, जिसे देखते के साथ मेरा पूरा शरीर मानो बर्फ सा जम गया। वो लाश उसी औरत की थी जिसकी मौत मेरे घर के ठीक सामने वाले घर पर हुई थी। अंधेरे में भी उस लाश की आंखें चमक रही थी, बिल्कुल किसी सफ़ेद बल्ब की तरह। उस मुर्दा लाश को देखने के साथ ही मुझे अगले पल तलक का भी कुछ होश ना रहा और मैं वहीं बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तब दोपहर हो चुकी थी। होश में आते ही मुझे बीती रात की वो पूरी घटना याद आ गई और वो सब याद में आते ही मैं भागकर घर से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मुझे मेरा शरीर बहुत ढीला लग रहा था, मानो मेरे शरीर में जान ही न बची हो। मगर फिर जैसे तैसे करके मैं उठा और भागकर घर के बाहर निकला। घर के बाहर जब मैं लोगों के बीच पहुंचा तो मुझे मालूम पड़ा कि उस औरत की लाश का दाह संस्कार कर दिया गया है। सच बताऊं तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वाकई में उस रात मेरे साथ हुआ क्या था। क्या वो सब बस एक छलावा था या फिर वाकई उस रात वो लाश मेरे शरीर पर कब्जा करने के लिए आई थी, पता नहीं। पर जब मैंने इस बारे में मेरी माँ को बताया तो मेरी माँ का मानना था कि अगर उस रात मेरे तकिए के नीचे वो चाकू ना रखा होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। खैर जो भी हो, मुझे इस बात की तसल्ली है कि आज मैं जिंदा हूँ और उस रात मेरे साथ हुए इस वाक्य को आप तक शेयर कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम हेमंत है, यह मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं अपने दोस्त प्रशांत की शादी में जा रहा था। रात के 7 बज चुके थे और मुझे दोस्त की शादी में पहुंचने के लिए बस से जाना था, लिहाजन मैं बस पकड़ने के लिए गांव के बस स्टॉप पर पहुंचा। जब मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो वहां आसपास मेरे सिवा कोई भी नहीं था। मैं वहीं बस के आने का इंतज़ार करने लगा। मैं बस का इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र वहीं बस स्टॉप पर एक लड़की पर गई। तभी उस लड़की को देखकर मैं सोचने लगा कि अरे, ये लड़की कब यहाँ पर आ गई, जबकि अभी तो यहाँ कोई भी नहीं था। और तो और,
मैं वहीं पर था और रास्ते की ओर ही देखकर बस के आने का इंतजार कर रहा था, तो फिर ये लड़की मेरे पलक झपकते ही अचानक यहाँ कैसे आ गई। उस लड़की ने अपना सर नीचे ज़मीन की तरफ झुका रखा था और तो और वो लड़की अरबी भाषा में कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। मैं उस लड़की को देखकर पता नहीं क्यों डरने लगा था और फिर मेरी नज़र उस लड़की के पैरों पर पड़ी तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा कि उस लड़की के पैर उल्टे थे और पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है और उस लड़की ने अपना सर नीचे की ओर झुका रखा था, इसीलिए मुझे उसका चेहरा साफ नहीं दिख पा रहा था। और फिर तभी वो लड़की मेरी तरफ बढ़ने लगी और फिर उस लड़की को अपनी तरफ आता देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं वहाँ से भागने लगा। मगर मैं वहाँ से भाग नहीं पा रहा था, मैं एक ही जगह पर दौड़े जा रहा था। और फिर तभी वो लड़की अचानक से मेरे सामने आ गई और फिर मैंने उस लड़की का भयानक चेहरा देखा। उस लड़की का भयानक चेहरा देखते ही मेरी जान हलक में अटक गई और सक पकाकर मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मगर तभी उस लड़की ने एक झटके से मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे हवा में ऊपर टांग दिया। और फिर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और उस लड़की ने मेरी गर्दन इतनी बेरहमी से दबा रखी थी कि कुछ ही समय में मेरी सांसें अटकने लगी और मेरा शरीर पीला पड़ने लगा। और फिर तभी मुझे रास्ते पर एक बस आती दिखी और उस बस को देखकर वो भयानक लड़की मुझे ज़मीन पर पटक कर वहाँ से गायब हो गई। बस ड्राइवर ने भी उस भयानक लड़की को देखा था और उसने फौरन वहीं बस रोकी और मुझे बस में बिठाकर उसने बस को फुल स्पीड में उस जगह से आके निकाल दिया। रास्ते पर उस बस ड्राइवर ने बताया कि वो एक लड़की की भटकती आत्मा थी जिसकी इसी बस स्टॉप पर एक बस के नीचे आ जाने से मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा इसी बस स्टॉप पर भटक रही है। मगर बस को देखकर वो लड़की की आत्मा गायब हो जाती है, आगे बस ड्राइवर ने बताया कि और जब उस लड़की की भटकती आत्मा को इस बस स्टॉप पर कोई अकेला इंसान दिखता है तब वो उस पर हावी हो जाती है और उसे जान से मारकर उसका खून पीती है। उस बस ड्राइवर की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर मैंने मेरी जान बचाने के लिए उस बस ड्राइवर को धन्यवाद कहा। आगे मैं अपने दोस्त प्रशांत की शादी में पहुंचा और फिर मैंने उसे अपने साथ घटी सारी घटना के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर प्रशांत भी बेहद ही डर गया। खैर, मैंने उसे उसकी शादी की बधाई दी और फिर अगले ही दिन मैं वापस अपने घर लौट आया। मगर इस बार मैं बस की बजाय ट्रेन से सफ़र किया। दोस्तों, वैसे तो इस घटना को हुए अब काफ़ी वक्त गुजर गया है, मगर आज भी उस दिन की घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अशोक है, ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब एक रात मैं अपने घर ऑफिस से काफ़ी लेट पहुंचा था और दिन भर ऑफिस में उस दिन काम कुछ ज़्यादा ही था जिस वजह से मैं काफ़ी थका हुआ था, जिस वजह से मेरा खाना बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं था। तो मैं घर आते ही कपड़े चेंज करके सीधा अपने बिस्तर पर लेट गया। आपको बता दूं कि मैं वैसे तो गांव से हूं, मगर नौकरी के लिए मुझे शहर में रहना पड़ता है। मेरा पूरा परिवार गांव में ही रहता है जिस वजह से शहर में मुझे मेरे घर पर घर का काम खुद ही करना पड़ता है। खैर, बिस्तर पर मैं लेट तो गया था लेकिन मुझे भूख भी काफ़ी तेज़ लगी थी, तो इस दिन मैंने ऑनलाइन ही खाना ऑर्डर करने का सोचा और मैंने खाना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया। आपको तो पता ही है कि शहर में काफ़ी फास्ट डिलीवरी होती है, तो खाना लेकर
डिलीवरी बॉय आधे एक घंटे में मेरे घर आ जाने वाला था, लेकिन खाने की डिलीवरी का इंतज़ार करते करते मुझे तकरीबन 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन अभी तक मेरे घर पर खाने की डिलीवरी नहीं हुई थी, जिस वजह से अब मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था और भूख के मारे तो अब मुझसे और अधिक समय तक रहा भी नहीं जा रहा था। लेकिन तभी मेरे दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई तो मुझे लगा कि शायद खाने की डिलीवरी लेकर डिलीवरी बॉय मेरे घर तक पहुंच गया है, तो मैं भागकर दरवाजे के पास पहुंचा और मैंने दरवाज़ा खोला। लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद मैंने देखा दरवाजे के दूसरी तरफ डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके बाल पूरे सफ़ेद थे और अंधेरे में भी उस बुढ़िया की आंखें चमक रही थी बिल्कुल किसी सफ़ेद बल्ब की तरह। वो देखना ही था कि डर से मेरी चीख निकल गई और तभी उस बुढ़िया के चेहरे पर एक डरावनी हंसी छाने लगी और तभी एकाएक उस बुढ़िया रूपी चुड़ैल ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे घसीटकर अपने साथ ले जाने लगी। डर और खौफ से मेरा पूरा शरीर कपकपा रहा था, लेकिन मैं तब भी कैसे भी करके उस बुढ़िया से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन न जाने उस चुड़ैल से मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था और घसीटते हुए वो चुड़ैल मुझे मेरे घर से कुछ दूर झाड़ियों के पास ले गई। और फिर इसके बाद उस चुड़ैल ने न जाने मेरे साथ क्या किया कि मुझे कुछ भी याद न रहा। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को उन्हीं झाड़ियों के पास विभस्त हालत में पड़ा पाया। मेरे कपड़े कटे फटे हुए थे और मेरे आजू बाजू कई सारे मरे हुए जानवरों की लाशें पड़ी थी और उन जानवरों की सड़ी गली लाशों में से सर फाड़ देने वाली गंध आ रही थी। खैर, फिर मैं वहाँ से भागकर अपने घर आ गया। दोस्तों, इस घटना के बाद फिर कभी मेरा सामना उस चुड़ैल से तो नहीं हुआ, लेकिन वो घटना मेरी ज़िंदगी की कभी ना भूल पाने वाली यादों में शामिल हो गई है। तो दोस्तों, यह थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम गौरव है, ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से तकरीबन 3 साल पहले की है। मैं तब 22 साल का था और अपने दोस्त विष्णु के घर घूमने गया हुआ था। दोपहर 2:30 बजे के आसपास मैं स्टेशन से विष्णु के घर पहुंचा और मेरे उसके घर पहुंचने पर उसने मुझे चाय नाश्ता करवाया। खैर, चाय नाश्ता करने के बाद मैं काफ़ी थका हुआ था, तो मैंने विष्णु से कहा कि यार, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। तो उसने मुझे मेरा रूम दिखाया और फिर मैं बिना कपड़े चेंज किए ही सोने के लिए लेट गया। फिर कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा 7:00 बज चुके थे। मैं अपने बिस्तर से उठा और अपने कमरे से बाहर निकला। बाहर किचन में विष्णु की माँ थी, उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि उठ गए बेटा। तो मैंने कहा जी आंटी। तो उन्होंने कहा कि बेटा चाय बना दी है, पर पता नहीं विष्णु कहाँ है, देखो जरा घर के बाहर आसपास ही कहीं होगा, उसे बुला लाओ, फिर सब साथ में बैठकर चाय पीते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं विष्णु को बुलाकर लाता हूँ। ये बोलकर मैं विष्णु को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला। बाहर काफ़ी अंधेरा हो रखा था, तो मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर ली। साथ ही मैंने सोचा कि विष्णु को कॉल करके घर पर बुला लेता हूँ, मगर मैंने देखा मेरे फ़ोन पर नेटवर्क नहीं था। दरअसल मैं आपको बताना ही भूल गया कि विष्णु जहाँ रहता है वो इलाका जंगलों से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम बनी ही रहती है। साथ ही विष्णु जहाँ पर रहता था वहाँ एक घर से लगकर दूसरे घर काफ़ी दूर दूर बने हुए थे, इसीलिए विष्णु के घर के बाहर दूसरा कोई घर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने विष्णु को कई बार आवाज़ भी दी मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। और तभी मुझे याद आया कि विष्णु के घर से कुछ ही दूरी पर एक खुला मैदान है जहाँ वो अक्सर जाया करता था, तो ये सोचकर कि शायद वो वहीं होगा
मैं उसी खुले मैदान की तरफ जाने लगा। फिर कुछ ही देर में मैं उस खुले मैदान में पहुंच गया, लेकिन मैंने देखा वहां भी विष्णु नहीं था। तो मेरे दोस्त विष्णु को वहां न पाकर मैंने वापस घर जाने का सोचा, लेकिन मैं पीछे पलटने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था, मगर अंधेरा होने की वजह से मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा वो विष्णु है, तो मैंने उससे कहा कि क्या यार तू यहाँ है, चल भाई घर चल। मैं इतना बोला ही था कि तभी वो मेरी तरफ बढ़ने लगा, और तब उसकी चमकती आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो जो भी था, जैसे जैसे मेरी तरफ बढ़ रहा था उसकी आंखों की चमक उतनी ही तेज होती जा रही थी। यहाँ तक कि उन दिनों गर्मियों का वक्त था, लेकिन यकीन मानो उस जगह पर मुझे बेहद ठंड लग रही थी। मैं पूरी जान लगाकर वहाँ से भागा। भागते हुए मैं कुछ दूर आगे पहुँचा ही था कि तभी वो साया मेरे सामने आ गया, और तब उसकी चमकती लाल सुरख आंखों को देखकर मेरे पसीने छूट गए। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था और उसमें से सरफाड़ देने वाली गंध आ रही थी। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि तभी एक झटके से उस साय ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही मेरी मरतौल चीख निकल गई, और चीखते हुए मैं मेरी मदद के लिए विष्णु को बुलाने लगा। और यकीन मानो मेरे विष्णु को बुलाते ही वो साया गुर्राते हुए मुझसे दूर हो गया। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो साया मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। वो देखकर मेरी जान में जान आ गई, और पूरी जान लगाकर मैं विष्णु के घर की तरफ भागा। और तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं मेरे दोस्त विष्णु के घर नहीं पहुंच गया। मैंने देखा घर पर विष्णु भी आ चुका था, और जब उसने मुझे इस कदर हांफते हुए देखा तो उसके पूछने पर मैंने उसे पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर विष्णु और उसकी माँ भी सत्ते में आ गए, और तब विष्णु की माँ ने मुझसे कहा कि बेटा उस पेड़ पर हमारे ही इलाके के एक आदमी ने फांसी खा ली थी, और तब से उस जगह पर उस आदमी की आत्मा का साया है। और आगे विष्णु की माँ ने बताया कि बेटा विष्णु नाम भगवान नारायण का नाम है, और भगवान के नाम से तो भूत प्रेत खौफ खाते हैं। तेरी किस्मत अच्छी थी कि जाने अनजाने तूने भगवान का नाम लिया और तेरी जान बच गई। खैर जो भी हो, उस दिन की घटना से मैं इतना डरा हुआ था कि सुबह होते ही मैंने अपना सामान बांधा और कुछ जरूरी काम का बहाना करके विष्णु के घर से वापस अपने घर लौट आया। और इसके बाद फिर कभी दोबारा मैं विष्णु के घर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम मयूर वाघेला है, ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से कुछ साल पहले की है। दरअसल उन दिनों मैं अपने गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक किराने की दुकान में काम पर जाया करता था। सुबह 8:30 बजे तक मैं खाना पीना खाकर अपने घर से काम पर निकल जाता था, और रात 9 बजे तक वापस घर आ जाता था। मेरा ये रोज का था, लेकिन एक दिन जब मैं काम पर जा रहा था तो रास्ते पर एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी। मुझे दूर से पुलिस और एम्बुलेंस साफ दिखाई दे रही थी, तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि जरूर कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। फिर जब मैं उन लोगों के करीब पहुंचा, तो भीड़ में से ही एक आदमी से पूछने पर मुझे पता चला कि एक औरत की देर रात ट्रक के नीचे आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई है। उसी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। उस औरत की लाश को स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा था। वाकई वो औरत की लाश बेहद बुरी हालत में थी, इतना कि उसे एक नज़र देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने जैसे तैसे उन लोगों के बीच में से अपनी साइकिल निकाली और सीधा दुकान पहुंच गया। मेरे दुकान पर पहुंचते ही दुकान के मालिक
यानी सेठ जी गुस्से से चिल्ला पड़े, बोले कि दुकान आने में इतनी देर कैसे हो गई, इसी तरह चला तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। सेठ जी की बात सुनकर मैंने उन्हें रास्ते की सारी बात बताई कि एक्सीडेंट की वजह से रास्ते पर भीड़ जमा थी, जैसे तैसे करके भीड़ के बीच से साइकिल निकाल कर पहुँचा हूँ। मेरी बात सुनकर सेठ जी बोले कि यह तो बड़ा गलत हो गया, अब उस रास्ते पर उस औरत की आत्मा भटकेगी। सेठ जी की बात सुनकर एक पल के लिए तो मैं भी डर गया, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। फिर रात 8:30 बजे मैंने दुकान बंद की और वापस घर के लिए निकला। रास्ते पर जाते हुए मुझे सेठ जी की बात बार बार याद आ रही थी कि आगे रास्ते में जहाँ ट्रक के नीचे आ जाने से उस औरत की मौत हो गई है, अब वहाँ उसकी आत्मा भटकेगी। सेठ जी की बात से मैं बहुत डरा हुआ था, मगर मरता क्या ना करता, घर तो जाना ही था और मेरे घर जाने का वही एक इकलौता रास्ता था। फिर रास्ते पर चलते हुए मैं उस जगह पर पहुंचा जहां उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने देखा रास्ता बिल्कुल खाली था, रास्ते पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था और ऊपर से घना अंधेरा माहौल को और भी भयावह बना रहा था। खैर, मैंने हिम्मत जुटाई और साइकिल पर पैडल मारते हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मैं करीब 10 कदम ही आगे निकला था कि तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई। आवाज़ एक बच्चे की थी जो कह रहा था कि अंकल मुझे भी अपने साथ ले चलो। सच बताऊं तो उस सुनसान रास्ते पर बच्चे की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो मैं भी घबरा सा गया, लेकिन फिर मैंने साइकिल रोकी और पीछे उस बच्चे की तरफ देखा और तब मैंने जो देखा वो देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा मेरे पीछे 20 रास्ते पर एक नवजात शिशु पड़ा हुआ था, तकरीबन वो 1 या 2 महीने का रहा होगा। लेकिन हैरानी की बात थी कि वो बच्चा बड़े बच्चों की तरह बोल पा रहा था, उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी और वो बार बार चीखते हुए एक ही बात कह रहा था कि अंकल मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं कुछ समझ पाता कि तभी अचानक वो बच्चा हवा में तैरने लगा। वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और चीखते चिल्लाते हुए मैं वहाँ से भागा, लेकिन इससे पहले कि मैं भाग पाता कि तभी वो बच्चा हवा में तैरता हुआ मेरे सामने आ गया और उसे एकाएक अपने सामने देखकर मैं लड़खड़ाकर साइकिल से नीचे गिर पड़ा, जिस वजह से मेरा बायां हाथ छिल गया और खून बहने लगा। और तभी मेरे देखते ही देखते वो बच्चा अपने असली रूप में आ गया, जो कि इतना भयानक था कि उसे देखकर मेरी जान हलक में अटक गई और मैं उस भयानक चुड़ैल के सामने रोने बिलखने लगा। लेकिन तभी वो चुड़ैल मेरी तरफ बढ़ने लगी और एक झटके से उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे घसीटते हुए रास्ते के किनारे जंगल झाड़ियों में ले जाने लगी। दोस्तों, उस वक्त मेरी क्या हालत थी आप समझ सकते हैं। अब मैं समझ चुका था कि आज मेरी मौत तय है। मैं रोते बिलखते हुए गिड़गिड़ाकर उस चुड़ैल से मेरी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा एक सफ़ेद आकृति तेजी से मेरी तरफ आई और अगले ही पल मुझ में समा गई और फिर इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। मैं बेहोश हो चुका था और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मैं बीच जंगल में झाड़ियों के बीच विभस्त हालत में पड़ा हुआ था। मेरे कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर हर जगह काटे जाने के निशान बने हुए थे। मैं पूरी तरह से खून से लथपथ जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था और मुझे बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात में मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन इस बात की तसल्ली थी
कि मैं जिंदा था। मैं वहां से निकला और जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचा। दोस्तों, आज इस घटना को हुए कई साल बीत गए हैं, मगर आज भी उस खौफनाक और रहस्यमय रात को याद करके मैं सहम सा जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।